और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं श्योपुर की। आज कूनो 12 चीते आएंगे तो नए सदस्य यहां आने वाले हैं। कूनो नेशनल पार्क में आज 12 और चीते 12 सदस्य जुड़ने वाले हैं। दक्षिण अफ्रीका से C17 ग्लोब मास्टर से ये चीते आएंगे। 929 किलोमीटर का हवाई सफर कर आज ये 12 चीते कूनो नेशनल पार्क पहुंच जाएंगे। पहले 8 चीते आए थे और अब 12 और चीते आने वाले हैं। नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन के दिन पर इन 8 चीतों को यहाँ पर छोड़ा था और आज 12 और चीते यहाँ पर आने वाले हैं। तो 7 नर हैं इनमें और 5 मादा चीते हैं जो आज कूनो आएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान और साथ ही उद्यान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इनकी अगवानी करने वाले हैं। तो कूनो में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं क्योंकि आज 12 और चीते कूनो आने वाले हैं। 929 किलोमीटर की हवाई सफर यात्रा तय कर ये चीते भारत प्रदेश में आने वाले हैं, कूनो आने वाले हैं। तो 7 नर हैं और 5 मादा चीते हैं जो कूनो आएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान अगवानी करेंगे। आज एक और अच्छी खबर है, कूनो नेशनल पार्क में चीतों का कुनबा बढ़ने वाला है। मैं हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा। ये उनका विजन है कि चीते फिर से पुनर्स्थापित हो रहे हैं भारत की धरती पर, एशिया महाद्वीप में, और वो भी मध्य प्रदेश के कूनो में। आज 12 चीता आएंगे और चीतों का कुनबा बढ़कर अब 20 हो जाएगा। तो चीते भी आ रहे हैं, उनका स्वागत है।